राम राम सलाम गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप सब मस्त मजे में हो गाइज। और मैं हूँ आपका भाई निशु, एक नई वीडियो एक नए ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना गांव, पूरे गांव का व्यू। काफी लोग मेरे गांव से थे तो वो बोल रहे थे कि यार अपने गाँव के लिए भी कुछ वीडियो बना, तो आज मैं अपने पूरे गाँव को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने गाँव के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मेरा गाँव भारत पाकिस्तान सीमा पर पड़ता है और राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रायसनर तहसील में मेरा गांव खाटा है और उसी का व्यू आज मैं आप सबके लिए दिखाने वाला। तो आज के वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर मेरे गांव के रहने वाले हैं तो जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे गाँव को देख पाए। तो दोस्तों मैं अपने गाँव की रोड पे खड़ा हूँ, मतलब बाहर की साइड, आपको दिखाता हूँ रोड का व्यू थोड़ा। दोस्तों ये रोड जो है, ये सामने वाली रोड, ये जाती है लखाकम को और ये जो इधर है ये रोड रायसनगर से आती है मेन मार्केट से और ये रहा लखाकम का रोड। इस यहाँ से आप लखाकम जा सकते हो, यहीं से आप रायसनगर इस रोड के थ्रू जा सकते हो। ये है रोड जो मेरे गांव को जा रही है। ये चलते हैं गांव में बिना किसी देरी के। दोस्तों हम आ चुके हैं गांव के अंदर, आप देख सकते हैं खाटा का बोर्ड लगा हुआ है, जनसिंह के यहाँ लिखा हुआ है खाटा 0 किलोमीटर। इस तरफ सारे सरकारी डिपार्टमेंट है जैसे हॉस्पिटल स्कूल आदि, और आप जब गांव में सामने देखोगे सबसे पहले ये मेरा लिखा हुआ बोर्ड मिलेगा आपको जिसपे मैंने लिखा है 2 गज की दूरी का रखो ध्यान, यही है कोरोना का समाधान। मतलब कोरोना जब चल रहा था तब मैंने यहाँ पे नारे लिखे थे लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए। ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रही है पीले रंग में, ये है हमारे गाँव का सरकारी अस्पताल और इधर है इस तरफ सोसाइटी, साथ में ये राशन डिपो भी है यहाँ पे। ये आप सामने देख सकते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाटा जिसमें मैं पढ़ता था, इसका परिदृश्य कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लासें भी है, आप नई क्लासें हैं, कुछ पहले की क्लासें आप देख सकते हैं। ये नए कमरे सारी, ये सामने वाटर कूलर वाला है और इधर है भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र यानी ग्राम पंचायत हमारी खाटा पंचायत। ये बैक साइड आप देखेंगे तो ये हमारा आंगनबाड़ी केंद्र आपको दिख जाएगा। तो ये पिंपल का वृक्ष बहुत पुराना पिंपल का वृक्ष है और ये हमारे भूमिया जी मंदिर के पास में है। वो जो आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे गांव के भूमिया जी मंदिर का मुख्य जोड़ है जहां पे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था है। दोस्तों मेरे गांव के बारे में बताऊं तो मेरा गाँव 140 घरों के साथ 4 या 5 मुरब्बे में फैला होगा। दोस्तों ये मंदिर हमारे गांव का मुख्य ठाकुर जी का मंदिर है, इसके बिल्कुल पास में एक हनुमान जी का मंदिर भी बनाया है। दोस्तों ये प्राचीन त्रिदेव मंदिर है हमारे गांव में, इसके पास में एक भैरू जी का मंदिर भी बनाया गया है। हर वर्ष यहां पे जागरण लगता है जिसमें दूर दूर से भगत जन यहां पे पहुंचते हैं और मंदिर परिसर के पास एक गुफा भी है, बहुत पुरानी प्राचीन गुफा है जिसे देखने के लिए लोग बाहर से भी यहाँ पे पहुँचते हैं। हमारी चैनल पे आपको इसकी अलग से वीडियो मिल जाएगी, इसके अंदर हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसके अंदर आगे अंधेरा ही अंधेरा होगा और हमारे पास लाइट की व्यवस्था नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे करीबन 100 वर्ष पुराना कुआं भी मिलेगा आपको। दोस्तों गाँव की गलियाँ आपको कच्ची और पक्की दोनों ही देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये बाबा रामदेव का मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, गांव के बीचों बीच स्थित है। दोस्तों एक सामने की तरफ जाती है, एक इस तरफ जाती है रोड और एक इस तरफ, हमें सामने जाना है बिल्कुल सामने। गांव में दुकानों की बात करें तो कम ही दुकानें हैं, 6-7 दुकानें हैं, उन्हीं में से एक ये आप देख सकते हैं मदन लाल किराना स्टोर। अभी आपको दिखाते हैं हमारे गांव की गोगा मेड़ी, तो चलिए चलते हैं। ये हमारे गांव की गोगा मेड़ी है आप देख सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं गांव के बाहर की साइड और ये आप देख सकते हैं इसी रोड को हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, अब दूसरी तरफ आ गए हम। ये जाती है यहाँ से लखाकम और ये थोड़ी सी खराब हो गई है क्योंकि बारिश आई थी, उस वजह से पानी यहाँ पे रुक गया था तो सड़क थोड़ी सी खराब हो गई। ये सीधी जाती है लखाकम को और इस तरफ से अगर रायसनगर जाना है तो गाँव की। जैसा कुछ था हमारा गाँव, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब कर लेना, खास करके मेरे गाँव वाले सारे सब्सक्राइब मार दो यार, बहुत ज्यादा हो गया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।